सीन जो है, सीन देखो मैं तीन एंगल से ले रहा हूँ। एक यहाँ से हमने लिया ऊपर चढ़ के जो लेटे हुए का सामने का सीन था, दूसरा हमने उधर से बैठ के ले लिया कि सामने से फेस का जब करवट ली तो एक्सप्रेशन आ गया। कॉमेडी वीडियोस को शूट कैसे करें स्टेप बाय स्टेप, वो भी एकदम बजट में लेकिन एकदम प्रोफेशनल लेवल। आप में से ही एक भाई है अंकित गोगलिया नाम से, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे हमें अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट भेजी, जिसको आज हम स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ड से शूट करके दिखाएंगे ताकि आप लोग भी अपनी वीडियोस को बना पाओ। अब बंदे हो गए तैयार वीडियो के लिए, हो गए हो ना, मोबाइल भी तैयार है वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन साला वीडियो शूट करना शुरू कैसे करें। एक्शन। पर भाई शूट करना क्या है? तो देखो मैं समझाता हूँ आज आपको कि किसी भी तरीके की एक कॉमेडी वीडियो, रोमांटिक वीडियो, ड्रामेटिक, हॉरर या कैसी भी कोई वीडियो हो उसको कैसे शूट करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को समझने के लिए ना यार पूरा एंड तक देखना, वरना बाद में ये कमेंट्स आएंगे कि भाई मोबाइल से तो बता ही नहीं। तो मैं आपको मोबाइल से भी बताऊंगा और कैमरा से भी। इनफैक्ट अगर आप में से कोई भी पानीपत या आसपास में से रहते हैं ना, तो उनमें से किसी भी एक भाई की मैं वीडियो बिल्कुल फ्री में बनाऊंगा मोबाइल से एकदम टॉप लेवल की, ताकि आपको भी समझ आए कि हाँ मोबाइल से भी हम बहुत अच्छा काम कर सकते। तो अगर आप हो पानीपत से तो कमेंट कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सामान की, क्या क्या सामान हमें कम से कम चाहिए एक वीडियो को अच्छा बनाने के लिए। एक मोबाइल फोन होना चाहिए अच्छे कैमरे वाला, एक लाइट होनी चाहिए आपके पास अच्छी, अगर महंगी लाइट नहीं ले सकते तो एक सस्ती ट्यूबलाइट ले लो जिसके अंदर लंबी तार जोड़ लो और उसको आप पोर्टेबल बना लो, कहीं पे भी आप ले जा सको। अब मैंने भी ये जुगाड़ कर रखा है, मेरे पास एक RGB ट्यूबलाइट है जिसको मैं कहीं पे भी आराम से ले जाता हूँ। एक ट्राइपॉड आपके पास होना चाहिए, चाहे आप 500 वाला लो चाहे 5000 वाला। और एक सबसे जरूरी चीज जो है आपका माइक, अगर ऐसे वायरलेस माइक नहीं ले सकते तो आप कोई भी 800-1000 रुपए का बोया का वायर वाला माइक आता है, 20 फुट की तार होती है उसकी, बहुत अच्छा काम वो कर देगा आपके लिए। अब चलते हैं हम शूट की तरफ। सबसे पहले इनकी जो स्क्रिप्ट है, और 99% जितनी भी स्क्रिप्ट्स होती हैं ऐसी, उसमें आपको चाहिए लोकेशंस। चार लोकेशंस आपके पास कम से कम होनी चाहिए अपनी वीडियोस के लिए। मैंने करीब करीब 400 से ज्यादा कॉमेडी वीडियो शूट करी हैं बड़े बड़े दूसरे क्रिएटर्स के लिए, जिसमें अगर हम एवरेज निकाले तो लगभग 90% लोगों की 4 से 6 लोकेशंस होती हैं एक 8 से 12 मिनट की वीडियो में। अब उसमें आप बोलो कि यार बाहर बहुत ठंड है, हम लोकेशंस कहां से लेके आए, घर में वीडियो बनानी है, तो घर के अंदर भी लोकेशंस हो सकती हैं। एक आपका बेडरूम हो गया, एक आपका बाथरूम हो गया, हॉल हो गया, आपकी छत हो गई या फिर किचन हो गया, ऐसे कोई भी आप 4-5 लोकेशंस घर के अंदर ही बना सकते हो। और अगर आपको सीखना हो ना कि ऐसे अलग अलग लोकेशंस पे घर के अंदर ही कैसे हम शूट कर सकते हैं प्रोफेशनल लेवल का, तो इसके लिए मैंने फ्री में कोर्स डाल रखा है यूट्यूब पर, वो आप जाके जरूर देख लेना। पहले वो पेड था, फिर मैंने अपनी शादी के टाइम पे वो एकदम फ्री आप लोगों को एज ए गिफ्ट दिया था। तो वो जो कोर्स है 9 पार्ट की सीरीज है, वो आप जरूर देखना, आपके बहुत काम आएगी अगर आप घर के अंदर ही वीडियोस बनाना चाहते हो तो। अब चलते हैं हम अपने पहले सीन की तरफ। मोबाइल को लगाया ट्राइपॉड पर और शूट हमेशा करेंगे हम हाईएस्ट क्वालिटी में, 4K है तो 4K, 1080 है तो 1080, और यहाँ पर हम करेंगे अपने मेन कैमरा से शूट। अगर आपके मोबाइल के अंदर प्रो कैमरा का ऑप्शन है तो आप उसको यूज करना मैनुअल सारी सेटिंग करके, वरना आप बाय डिफॉल्ट वाले कैमरा से भी वीडियो शूट कर सकते हो। तो यार पहला सीन शूट करने से पहले इस तरीके की वीडियोस मैं अकेले तो बना नहीं सकता, ठीक है, तो उसके लिए मैंने हमारे थोड़ी सी दूरी रहते हैं एक अलग ही यूट्यूबर डायरेक्टर है, इनका भी बहुत बढ़िया चैनल है, तो मैंने सोचा यार इनकी मदद ले लूँ मैं। ये हमारी पिक्चर में, मतलब इस पिक्चर में मेन लीड का काम करेंगे। तुम्हारा काम है भाई, तू हीरो का बाप है, बाप मने जो मर चुका है, फोटो लगेगा। मतलब जो आपकी स्क्रिप्ट है जिसमें सीन वगैरह है मैं समझा देता हूँ पहले। तो मेन पहला सीन जैसे ये इसमें दिखा रखा कि सो रहा है हीरो, सो रहा है, उठा। हम मतलब अपनी तरफ से कोई भी सीन ऐड नहीं करेंगे, जो भी स्क्रिप्ट में सीन है हम उसके हिसाब से करेंगे। स्क्रिप्ट कैसे अच्छी बनानी है वो हमने अलग वीडियोस में बता रखे, वो आप देख लेना, बट अभी आप ही की स्क्रिप्ट को स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। तो सीन यही है कि सो रहा है बंदा, उठा, चप्पल वप्पल पहन के बाहर गया, बाहर दरवाजा खोला और एकदम शॉक हो गया, लाश देखी होगी उसने, और वहाँ पे ये सीन खत्म होता है। तो ये सीन हम पहले शूट करेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो पहले एक सोते हुए का सीन करेंगे, मतलब थोड़ा सा माहौल बना देते हैं, सेटअप कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग, मतलब सारे कपड़े नहीं लेकिन जैकेट उतार दें। सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि अगर मैं अकेला वीडियो बना रहा होता या फिर अकेले का कुछ सीन हो ना, वो कर भी लें, शूट भी कर लें, लेकिन अभी शूट भी करना है और आपको भी समझाना है, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है एक दो बंदे में। ये एक तरह से हम BTS के लिए रखेंगे इसको। साइड करवट लियो, ट्यूबलाइट की साइड।
अब सीन जो है, सीन देखो मैं तीन एंगल से ले रहा हूँ। एक यहाँ से हमने लिया ऊपर चढ़ के जो लेटे हुए का सामने का सीन था, दूसरा हमने उधर से बैठ के ले लिया कि सामने से फेस का जब करवट ली तो एक्सप्रेशन आ गया, फ़ोन उठाते हुए का सीन आ गया, और हमने लाइट्स को रेड रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा डार्क माहौल रहे, या फिर हम ब्लू भी रख सकते हैं थोड़ा सा अगर हमें रात का सीन दिखाना है, लेकिन हमें जो सीन है सुबह का दिखाना है तो इसलिए हमने थोड़ा सा रेड की तरफ रखा, और अगर आपको रात का सीन दिखा रहा हूँ तो आप ब्लू भी लाइट को रख सकते हैं। इसके अलावा आप तीसरा एंगल जो हम लेंगे, जैसे पैर नीचे आएंगे जूतों की तरफ, जूते पहनेंगे चप्पल पहनेंगे, तो हम इसको लो एंगल की तरफ लेके जाएंगे। बिल्कुल कैमरा जो होगा हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा ताकि जो पैर चप्पल में जाए तो वो चीज़ हमारी क्लोजअप में आ जाए। तो तीन शॉट हो जाएंगे इधर हमारे। एक शॉट होगा हमारा जो वाइड एंगल हमने लिया पूरा ऊपर से सोते हुए का, दूसरा हमने मिड बॉडी शॉट ले लिया जो आंखों की तरफ हाफ बॉडी आ रही है, और तीसरा एक हम क्लोजअप में ले लेंगे शॉट। अब जैसे रूम का सीन हो गया सारा कि हम यहाँ से दिखा भी सकते हैं कि इस दरवाजे से बाहर निकला फिर वो मेन गेट से बाहर निकला, तो दो दो गेट खोलने का ऐसा कोई सीन नहीं बनता, तो स्टोरी को ना आपको कट टू कट पॉइंट टू पॉइंट रखोगे तो अच्छा रहेगा। तो हम ये पहला दरवाजा स्किप करके जहाँ पे वो शॉकिंग एक्सप्रेशन देना है गेट खोलते हुए का, उसी गेट के ऊपर हम सीधा चलेंगे। ठीक है, तो बैक से एक शॉट ले लेंगे कि बैक से जा रहा गेट की तरफ, और एक हम शॉट ले लेंगे गेट को खोलते शॉकिंग एक्सप्रेशन का। कोशिश करेंगे दोनों एक ही शॉट, मतलब दो शॉट में ही बात पूरी हो जाए, ऐसे अलग अलग एंगल दिखाने की जरूरत ना पड़े। हाँ जी, सीन हमने शूट करे वो सारे थे बिना आवाज़ की, जिसमें हमें ज़रूरत नहीं थी, बस बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह लगाएंगे और काम चल जाएगा। अब हमारा सीन होगा ऐसे माइक के साथ जिसमें डायलॉग होगा, तो माइक हम एक ही यूज़ कर लेंगे। काफ़ी लोगों को लगता है यार तीन बंदे का सीन होगा तो कैसे करेंगे, तीन माइक चाहिए होंगे, एक ही माइक यूज़ करोगे, जो सेंटर में होगा बंदा उसके लगा दो माइक और बाकी सारों की आवाज़ उसमें आ जाएगी। अब सीन हमारा ये होगा कि बेसिकली तीन कैरेक्टर हैं, ACP है, दया है, और एक और इंसान आएगा जो रास्ता वगैरह पूछेगा, तो तीन लोगों के डायलॉग चलेंगे एक ही साथ में। और ये सीन जो है हमारा गली का है, बेसिकली गली में, लेकिन हम शूट नहीं कर सकते क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है, कुछ दिखाई ही नहीं देगा। बस सपोज कर लेना कि हम सड़क पे बैठे हैं ऐसे, ये भी रिकॉर्ड हुआ है। तो शब्द सीन शूट करेंगे, जैसे ये ACB का करेक्टर अब करेंगे और मैं यहाँ पे दया का करेक्टर कर लूँगा, मेरे मोटापे को दया के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। और एक सीन करेंगे जो एक इंसान आएगा रास्ता पूछेगा, उसको हम रास्ता बताएंगे। ये सारा स्क्रिप्ट का है, लाइन टू लाइन शोर यहाँ पे भी सड़क जितना पूरा है। सीन होएगा कि आप आ रहे हो, ये सर ये रास्ता बताना कहाँ है, तो ये फ़ोन में लगा होगा, अरे मुझे नहीं पता दया से पूछ लो, या फिर तू कैसे कह दे, मुझे नहीं पता दया तू बता दे देख के, तो मैं देखूँगा रास्ता, अच्छा तो फिर मैं बताऊँगा ऐसे ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना, फिर आप इधर ऐसे निकल जाना। ठीक है, रास्ता बता के ये एक ही सीन में करेंगे कि मैं बताऊँगा आप इधर ही खड़े रहना, फ्रेम ब्लॉक ना हो। एक चीज़ का भी ध्यान रखना कि ज़्यादा आगे ना आना कि एक किसी करेक्टर का फेस छुप जाए। ठीक है, इसमें हम अलग अलग एंगल ले लेंगे अभी। अगली बार आऊँगा अभी माइक हम बीच वाले इंसान को ही लगा देंगे, अभी लगा ले। सर ये एड्रेस बताना, दया बताना रास्ता है ना, थोड़ा सा तेज बोले, ACP है तो वो ACP वाली वो तो करता रहे, रुक जा रहा मैं, अगर ACP वाला था तो आराम से बोला मैं। सर ये रास्ता बताना, दया बताओ रास्ता है ना। अच्छा ये हाँ।
इसके लिए देखो मैडम आपको क्या करना है, यहाँ सीधा जाओगे, यहाँ से लेफ्ट मुड़े, लेफ्ट मुड़ के एक और इधर लेना टिकट, फिर इधर से सीधा जाओगे, सीधा जाके चौक आएगा एक, उधर ना चौक पे बहुत लोग खड़े होंगे, उनमें से किसी से भी पूछ लेना क्योंकि मुझे तो पता नहीं है। अरे थैंक यू तो बोल भी जाओ। अब हम इसी शॉट को, ये हमने पूरा एक स्टोरी बेस शॉट ले लिया, अब हम इसको अलग अलग एंगल से शूट करेंगे, तो उसके लिए भी मैं दिखाता हूँ आपको क्या करना है। अब जैसे हमारा पिछला एंगल सामने से था, तो अब मेरे डायलॉग का क्लोजअप लेंगे, तो ये जैसे ये उबासी ले रहा है यहाँ पे, हाँ इस तरीके से अपनी पोजीशन पे आना एक बार जहाँ खड़े थे, ठीक है, ये जो फ्रेमिंग है बीच में मैं आ जाऊँगा यहाँ पे, यहाँ छुप माइक को आप इस तरीके से छुपा भी सकते हो, जैसे मैंने फ़ोन के लिए कवर ले लिया, एक फ़ोन से हम BTS बना रहे हैं तो यहाँ पे कवर ले रखा है, कवर के पीछे हम माइक छुपा लेंगे ताकि आवाज़ हमारी और अच्छे से आ जाए। तो आपके डायलॉग से शुरू करेंगे, आप इसको बोलना, तो ये मेरे को बोलेगा फिर मैं बताऊँगा। अच्छा ये रास्ता, ये रास्ते के लिए मैम आप यहाँ से सीधे जाओगे, सीधे जाके राइट मुड़ोगे, राइट मुड़ के फिर सीधे जाना है, वहाँ से ये टर्न लोगे ना जैसे आप, तो यहाँ से सीधा जाओगे एक चौक आ जाएगा, चौक पे जाने के बाद आपको काफ़ी सारे लोग दिख जाएंगे वहाँ पे, वहाँ किसी से भी पूछ लेना रास्ता क्योंकि मुझे तो पता नहीं है मैम। अरे थैंक यू तो बोलते जाओ, सीधे जाके ये राइट मुड़ोगे, राइट मुड़ के फिर सीधा जाना है, वहाँ से ये टर्न लोगे ना जैसे आप, तो यहाँ से सीधा जाओगे एक चौक आ जाएगा, चौक पे जाने के बाद आपको काफ़ी सारे लोग दिख जाएंगे वहाँ पे, वहाँ किसी से भी पूछ लेना रास्ता क्योंकि मुझे तो पता है। ये रास्ता मैम यहाँ से सीधा जाओगे, सीधा जाके लेफ्ट मुड़े, लेफ्ट मुड़ के सीधा जाना है, वहाँ पे राइट चक्कर आएगा, राइट चक्कर से आगे जाके चौराहा आएगा, चौराहे पे आपको बहुत सारे लोग दिख जाएंगे और उनमें से आप किसी से भी पूछ लेना क्योंकि मुझे तो पता नहीं है। अरे थैंक यू तो बोल दिया, ठीक है। अब एक लास्ट यहाँ पे होगा कि जैसे ये आगे गए हैं और पीछे का इनका जो एक्सप्रेशन आएगा मुड़ते हुए का, करते हुए का, वो भी हम शूट कर लेंगे। 3 2 1 थोड़ा सा पीछे आओ, एक कदम चल के फिर बोलना, 3 2 1 स्टार्ट। तो सीन जो है देखो लगभग पूरा हो गया, यहाँ पे हमने 3 एंगल से शूट किया, एक जिसमें मेरा डायलॉग ज़्यादा आ रहा था तो मेरी तरफ कैमरा था, एक जिसमें हमारा बेस शॉट था जो सामने से आया जिसमें तीनों करेक्टर आ रहे थे, और एक जिसमें तन्वी का करेक्टर आ रहा था जो पूछते हुए जा रही थी, उसका अलग से कैमरा एंगल हमने ले लिया। यही चीज़ आपको करनी है। अब तीनों में देखो मेरा जो डायलॉग था अलग अलग था, तो मेरे को फाइनल वो वाला शॉट करना है जिसमें मेरी तरफ कैमरा था और मेरा जो डायलॉग है वो अच्छे से मैच हो रहा है। अगर वो मैंने अच्छे से नहीं बोला है तो उसके लिए मुझे रीटेक लेने चाहिए और वहाँ पे मेरा जो फाइनल शॉट है वो होना चाहिए। इस तरीके से आप एक ही कैमरा से, एक ही माइक से 3 बंदों के अलग अलग एंगल शूट कर सकते। इसकी जो एडिटिंग होगी पूरी वो आपको अलग से वीडियो में बना के देंगे। ऑफकोर्स मैं यहाँ पे पूरी वीडियो शूट करके नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि वो बनाने लगेंगे तो यार 3-4 घंटे शूट करने में लग जाएंगे और 6-7 घंटे उसके BTS शूट करने में लग जाएंगे। तो इसलिए आई होप मतलब जो स्ट्रक्चर है इसी तरीके से आपको शूट करने चाहिए। दया बताओ रास्ता ना। अच्छा ये रास्ता, ये रास्ते के लिए मैम आप यहाँ से सीधे जाओगे, सीधे जाके राइट मुड़ोगे, राइट मुड़ के फिर सीधा जाना है, वहाँ से ये टर्न लोगे ना जैसे आप, तो यहाँ से सीधा जाओगे एक चौक आ जाएगा, चौक पे जाने के बाद आपको काफ़ी सारे लोग दिख जाएंगे वहाँ पे, वहाँ किसी से भी पूछ लेना रास्ता क्योंकि मुझे तो पता नहीं है मैम। अरे थैंक यू तो बोलती जाओ। अब ये फुटेज लेंगे थोड़ी सी इनका भी चैनल है बहुत बढ़िया, मतलब मेरा चैनल अर्पित राजपूत नाम से है एंड उसके अभी 1 मिलियन क्रॉस हो चुके हैं, उसके बाद हम एक शो आने वाला है उस पर FIR करके, तो उस पर प्यार देना बहुत ज़्यादा, उसका लिंक भैया डाल। हाँ अब देखो मैंने ना कुछ साल पहले जब इस भाई का चैनल वैनल था नहीं कुछ ऐसा, तब मैंने ना सस्ते में शूट करी थी वीडियो तो उसका बदला मैं पूरा ले रहा हूँ हालांकि तो वो चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन भाई का चैनल बहुत बढ़िया यार, इनके चैनल पे 2-4 टैलेंटेड बच्चे भी हैं, इनको हम कभी अच्छी चीज़ बनाएंगे तो उनको भी बुलाएंगे वीडियो में, फिर वो पैसे ज़्यादा लेंगे तो फिर हम उनको हटा देंगे।
ठीक है मिलते हैं, जाने बाद रिकॉर्ड कर लेते हैं सामने, साफ कहना सुखी रहना वेल ब्रो, ठीक है मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अब देखो वीडियो को जो शूट करा है मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी में किया है क्योंकि जो एक्टर को मैंने बुलाया था उनको भी जाना था, तो हमने 30 मिनट के अंदर ये सारा शूट को निपटा रहे हैं। तो अगर हम इस पर ज़्यादा टाइम लगा के करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी भी बनती जाएगी, थोड़ा और दिमाग लगा के हम एंगल सोच सकते हैं, कुछ नई क्रिएटिविटी निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम टाइम ड्यूरेशन के अंदर चल रहे होते हैं तो हमें काम को थोड़ा सा स्पीड से खींचना होता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि यार एक एक शॉट लेके हम 10 दिन तक वीडियो शूट करे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करके वीडियो को जल्दी ख़त्म करना पड़े तो वो भी आपको करना चाहिए, क्योंकि ये काम थोड़ा सा जल्दी का है, क्योंकि सभी लोग रोज़ ऐसे नहीं आ सकते आपके वीडियो शूट के लिए, तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा।